प्यारे बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 5.7 की थी। उम्मीद है आप लोगों ने कर ली होगी। अभी जो नई एक्सरसाइज आपके सामने आएगी वो है रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम। इसे हम बाद में लेंगे जब स्कूल खुल जाएंगे, या तो क्लास में ही लेंगे या फिर जैसे देखेंगे। अभी नहीं, अभी हम सीधी करेंगे कौन सी मिसलानियस एक्सरसाइज। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना, मिसलानियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज देखते हैं। देखिए, ये देखो बच्चों, मिसलानियस एक्सरसाइज का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसे पहले टी मान लेंगे। टी की पावर 9 का 9 की पावर 8, और इंटू टी का जब करेंगे तो 6x-9। ये सिंपल है, इसका 3 sin² x इंटू कोस एक्स प्लस इसका 6 cos 5x इंटू -sin x। ठीक है ना? इसका कैसे करोगे? लोग ले लियो। इसका कैसे? सिंपल, इसे टी मान लेना। ये कैसे? ये भी सिंपल है बिल्कुल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला रूल लगा सकते हैं। क्वेश्चन 6 पहले भी आ चुका है आपका, कोट इनवर्स वाला, ये पुराना क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में था, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसका लोग एक्स की होल लोग एक्स, इसका भी लोग लेंगे जैसे देखो। चलो इसे करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 7 ये है बच्चों, लोग एक्स की होल पावर लोग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स। देखो इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर, याद करो, लोग एक्स ई की पावर लोग लोग एक्स की होल एक्स लोग एक्स। e की पावर लोग लोग x की होल x। e की लोग कितना होता है बच्चों? e की लोग x कितना होता है? x। तो ये वही वाला रूल है। अभी देखो आप इसे, इसे t मान लूंगा पूरे को, तो e की t का कितना? e की t, तो e की पावर लोग लोग x की होल लोग x इंटू d बाई डी एक्स। किसका बच्चों? जिसे t माना था, यानी लोग लोग x की होल लोग x। देखिए e की पावर, ये लोग लोग x पूरा कितना हो जाएगा? तो बच्चों वही हो जाएगा ना, लोग x की होल लोग x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए आप, देखो d बाई डी एक्स, लोग m की पावर n से ही हो गया बच्चों, n लोग m, तो लोग x इंटू लोग लोग x। ठीक है, ये लोग एक्स की होल लोग एक्स बाहर, इसमें ये फर्स्ट ये सेकंड बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन लोग टी का 1/t, और जब टी का करूंगा तो 1/x प्लस सेकंड एज इट इज लोग लोग एक्स, और फर्स्ट का करूंगा तो कितना लोग एक्स का 1/x। ये लोग एक्स कैंसिल हो गया, 1/x कॉमन ले सकते हो, तो ये बन गया 1/x लोग एक्स की होल लोग एक्स। ये बन गया बच्चों 1 प्लस लोग लोग एक्स। देखो कितना सिंपल है। इसमें बस आपने ये रूल याद रखना है कि e की पावर लोग एक्स कितना, लोग एक्स कितना होता है? एक्स। बस आप ये रूल करते हुए फिर कर सकते हो। जैसे ये वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, इसे टी मान लेंगे, कोस टी का -sin t, फिर टी का कर देंगे तो इजी हो जाएगा। इसमें भी लोग ले सकते हो आप, इसमें अलग अलग कर सकते हैं सबका। जैसे देखना टाइम, देखो डी बाई डी एक्स ओ, ये बच्चों एक्स की एक्स प्लस एक्स की ए प्लस ई की एक्स प्लस ए की पावर। देखते जाओ, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर ई, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर ए। देखो ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो।
इसका वैसे ही लोग के रूल से करूंगा, e की लोग x कितना होता है x, तो ये बन गया d by dx of e की पावर log x to the power x प्लस x की n के फार्मूले से x की n का होता है nx की n माइनस वन, तो ये हो गया a x to the power a माइनस वन प्लस e की पावर x का डायरेक्ट फार्मूला होता है a की पावर x इंटू लोग ए बेसी और ए की ए का तो कितना जीरो। अब देखो इसका ई की पावर इसका करना है आपने, ये तो इसका बच गया, बस इन सब का हो चुका, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है। अभी देखना ई की पावर इसे टी मान लो बच्चों, तो ई की टी का ई की टी, तो ये बन गया ई की टी का ई की पावर टी और इंटू डी बाई डी एक्स किसका, जिसे टी माना था, यानी लोग एक्स टू दी पावर एक्स प्लस ये सब चलता रहेगा ए एक्स टू दी पावर ए माइनस वन प्लस ए की पावर एक्स लोग ए। ये बन गया बच्चों e की पावर log x टू दी पावर x इंटू, देखो ये d बाई डी एक्स है, log m की पावर n से n log m हो गया प्लस ए एक्स टू दी पावर a माइनस वन प्लस ए की पावर x log a। ये बच्चों बन गया तो x टू दी पावर x ही हो गया और इसमें फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का वन अपॉन x प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का वन प्लस ए एक्स टू दी पावर ए माइनस वन। अगर इसका फार्मूला आपको नहीं पता होता तो इसमें भी आप कौन सा लोग वाला रूल यूज कर सकते थे, कैसे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, तो मैं इसे लिख सकता था डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर लोग ए टू दी पावर एक्स, तो ये बन गया बच्चों ई की टी का ई की टी e की पावर log e टू दी पावर x इंटू किसका d बाई डी एक्स किसका log e टू दी पावर x। ध्यान से देखो ये बन गया e की पावर log e टू दी पावर x log m की n से n log m, तो ये बन गया d बाई डी एक्स हो x log e। अब log e तो कॉन्स्टेंट x का क्या हो गया वन तो क्या आ गया a की पावर x log a, देखो मैंने वही लिखा था फार्मूले के रूप में, तो प्लस ये a टू दी पावर x log a, समझ गए, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इसमें आगे ये सिंपल क्वेश्चन है, dy आपको दिया है t का फंक्शन, x t का फंक्शन, dy अपॉन dx पूछा, तो डी वाई अपॉन डी टी निकाल लो, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लो, डिवाइड कर दो आ जाएगा सिंपल। इसका करना है वाई इक्वल टू दिस वन, तो डायरेक्ट कर सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें इसे टी मान लेना, साइन इनवर्स टी का हो जाएगा इंटू टी का कर देना। ये 14 देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, क्या है एक्स रूट वन प्लस वाई प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, प्रूव दैट, आपने ये प्रूव करना है क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स होगा कितना माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको गिवन है एक्स रूट वन प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। अगर तुम इसे डायरेक्ट करोगे तो ये फिर अलाना आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर लेता हूँ पहले ही, एक्स रूट वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूँ तो एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इन्हें लेफ्ट में शिफ्ट करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे उधर ले जाऊं तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर
वाई, इसके दो फैक्टर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इससे क्या कॉमन है बच्चों, एक्स वाई कॉमन है, तो मैं माइनस एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा एक्स माइनस वाई, क्यों किया ऐसा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना माइनस एक्स वाई, ये एक्स उधर चला गया ये इधर आ गया, तो वाई इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहां से वाई निकल गया बच्चों इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब आप डायरेक्ट बता दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस बाहर है, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल लगाइए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिरेटर का डिफ्रेंशिएशन कितना वन, माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज और उसका कितना हो गया डिनोमिनेटर का वन, तो ये वन प्लस एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और फाइनली आपका आंसर ये आ गया। तो देखो इसमें पहले कैलकुलेशन ज़्यादा है, अगर तुम इसे डायरेक्ट करोगे तो प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। इस वाले को देखो, फिफ्टीन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो आप इसे दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिए और वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे, इट इज ए कॉन्स्टेंट इनडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ए और बी पर क्या होगी इनडिपेंडेंट।